आपके लिए आंदोलन है डाक बंगला पर बैठना, आपके लिए आंदोलन है धरना पर बैठना, हमारे लिए आंदोलन है कि किस बात से नेता पर असर पड़ेगा। तो नेता करवा देख ली, चाहे 5 बरिस बैठ के गरियाई, घर में बुला के 2 जूता मारियो भी, भोटवा दे दे तो ओकरा कोनो दिक्कत नहीं। तो शिक्षक लोग एक यही गलती कर रहे हैं, आप 5 बरस भाषण दे रहे हैं, नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी प्रताड़ना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, एक ही चीज नहीं कर रहे, नेता को वोट से नहीं हरा रहे हैं। जब तक वोट का चोट नहीं कीजिएगा तब तक नेता सुनने वाला नहीं है, लिख कर रखिए। आप कह रहे हैं कि आपको भाजपा ठगा है, और आप कह रहे हैं कि आपको महागठबंधन ठगा है, और उसी का प्रचार में झंडा लेके घूमियो रहे हैं। फिर वही बात, का करी भैया, इनकर बाबूजी हमारा ऊपर बड़ा एहसान कैले बड़ा। अरे भाई, तो बाबूजी के एहसान पर लड़का के जितावता नहीं, तो रुआ अपनो लड़का के चिंता कर ली। ये भी सोच लीजिए कि आपके लड़के के लिए कौन खड़ा होगा। जब आपको पेंशन नहीं मिलेगा, जब आपको महीनों से वेतन नहीं मिलता है, तो आपके बच्चे के लिए कौन खड़ा होता है, ये भी चिंता कर लीजिए। कोई नहीं खड़ा होगा। रुआ दूसर का लड़का के झंडा लेके घूमता नहीं, कोई विचारधारा के नाम पर, कोई दल के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई संघ से जुड़ल बा। अरे भाई, एक बार अपने बच्चों के नाम पर खड़े होइए, सजग बनिए, नहीं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा।